नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो चुनाव के पहले यूपी और पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। यूपी में 7 तो पंजाब में 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। चुनाव के पहले ये सभी नाइट वॉचमैन की भूमिका में हैं। तो बड़ा सवाल यही कि क्या पूरे 4.5 साल तक सरकार चलाने वाले नेताओं का बोझ इन नए मंत्रियों पर आ गया है और क्या नाइट वॉचमैन लगाएंगे नैया पर। तो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की अगर तस्वीर देखी जाए तो अब बहुत जल्द यहां पर चुनाव होने हैं। बस कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में ये जो नए मंत्री बनाए गए हैं आखिर क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव खेला। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और उससे एन पहले सारे जातीय समीकरण को बिठाते हुए योगी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। बीजेपी जहां इसे बेहद फायदेमंद कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे फेल फॉर्मूला बता रहा है। जश्न की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं। पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे ये लोग जितिन प्रसाद के समर्थक हैं। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में चुनाव से कुछ महीनों पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उनकी कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल हुए हैं। ये मंत्री हैं जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, पलटू राम राज्य मंत्री, छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री, संगीता बलवंत बिंद राज्य मंत्री, धर्मवीर प्रजापति राज्य मंत्री, संजीव कुमार गौर राज्य मंत्री, दिनेश खटीक राज्य मंत्री। राजमंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। जिन 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनके पीछे हर समीकरण को जोड़ा और घटाया गया है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में मिलेगा। बधाई देता हूं, विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्री परिषद के साथियों ने शपथ ली है उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्री परिषद में जगह दिया है और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर विपक्ष का वार भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होना है। ट्वीट करते हुए अखिलेश ने कहा है कि यूपी की बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपा नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। अब मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं इसका पता तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। विपक्ष का काम है वार करना, तो वही अखिलेश कर रहे हैं। लेकिन जिन 7 चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल कराया गया है और समाज के जिस तबके से वो आते हैं उन्हें एक संदेश देने में बीजेपी कामयाब तो हो गई है। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ रणवीर की रिपोर्ट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने जितिन प्रसाद ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन्हें कम समय नहीं मिला है।
बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करके वो दिखाएंगे। आप देखिए जितिन प्रसाद से एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर की ये खास बातचीत। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसमें सबसे बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद का है जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। मेरे साथ जितिन जी हैं। जितिन जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप ये बहुत छोटा कार्यकाल है, 4 महीने के आसपास का, उसके बाद अधिसूचना आ जाएगी, चुनाव हो जाएगा। ये 4 महीने में कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? नहीं, समय अपनी जगह है मगर मंशा, कार्य करने की सोच और मेहनत वही उद्देश्य है और उसी को साथ लेके चलेंगे कि जो जनभावना है उस पर उम्मीदों पर खरा उतरे। जो नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृहमंत्री जी अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी का, कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत गौरव और सम्मान की बात है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रयास रहेगा कि नेतृत्व की भावनाओं के अनुरूप और जनता की कार्य में मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। जितिन जी, कहा जा रहा है ये बहुत सिंबॉलिक एक्सपेंशन है और एक छोटे कार्यकाल में जातियों को, क्षेत्र के समीकरण को साधने के लिए किया गया है। ऐसे में क्या जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर साधने के लिए मंत्रिमंडल में जगह मिली? नहीं, ये विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी, साफ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी और सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है और उसी के अनुरूप सरकार प्रदेश में भी काम कर रही है और आगे हम लोग भी काम करेंगे। आखिर सवाल ये, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये छलावा है और जिन जातियों के साथ बीजेपी ने कुछ नहीं किया था अब उनको दिखाने के लिए ये एक्सपेंशन किया गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं साहब, तो विपक्ष जिस तरीके से आप लोग को टारगेट कर रहा है, ऐसे में क्या करेंगे, उनको किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, ये टारगेट जिस तरीके से किया जा रहा है ये तथ्यों के आधार पर नहीं है, क्योंकि जो मैंने भी देखा है और मैं कह सकता हूं कि मैं भी विपक्ष में रहा हूं, मगर जो जनता के बीच में, जो समाज के उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने कार्य किया है, तमाम योजनाएं मैं गिना सकता हूं, चाहे वो किसानों के हों, उनके लिए सुविधाएं और उनके लिए आर्थिक रूप से मदद, उत्तर प्रदेश में पहली बार दिख रहा है कि वो समाज और वो लोग जो वंचित रहते थे और जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान सरकारें नहीं देती थी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही। तो जितिन प्रसाद जी को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आगे चलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और समय कम नहीं है, काम करेंगे और दिखाएंगे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। और आइए अब नजर डालते हैं इन 7 नए चेहरों के पीछे मौजूद बीजेपी के सियासी गणित पर। आखिर किस तरह ये 7 चेहरे बीजेपी को करा सकते हैं सत्ता में वापसी, आप देखिए ये पूरा गणित क्या है, समझिए। जितिन प्रसाद, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ये रुहेलखंड क्षेत्र से आते हैं और जाति से ब्राह्मण है। इनके जरिए बीजेपी राज्य की ब्राह्मण जाति की भागीदारी बढ़ाकर स्वर्ण को खुश करना चाहती है। ब्राह्मणों की तादाद 13% है, सवर्णों की तादाद 19% है। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। छत्रपाल सिंह गंगवार को राज्य मंत्री बनाया गया है, ये भी रुहेलखंड इलाके से आते हैं और जाति से कुर्मी है। इनके जरिए बीजेपी राज्य के ओबीसी वोट बैंक को खुश करना चाहती है। कुर्मी की तादाद 5% है, रुहेलखंड इलाके में 52 सीटें हैं। संगीता बलवंत बिंद को राज्य मंत्री बनाया गया है, ये पूर्वांचल से आती हैं और बिंद नाम की पिछड़ी जाति से हैं। पूर्वांचल में 102 सीटें हैं। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया है, ये पश्चिमी यूपी से आते हैं और कुम्हार जाति के हैं। कुम्हार की तादाद 2% है, पश्चिमी यूपी में 76 सीटें हैं। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। संजीव कुमार गौर को राज्य मंत्री बनाया गया है, ये अनुसूचित जनजाति के हैं और पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में 1% अनुसूचित जनजाति है। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं। पलटू राम और दिनेश खटीक को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, ये दोनों अनुसूचित जाति से आते हैं और इनके जरिए बीजेपी SC वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र की खटीक जाति।
जिस तरह देश की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता यूपी की 80 लोकसभा सीटों के जरिए जाता है, ठीक उसी तरह यूपी की सत्ता में काबिज होने का रास्ता ओबीसी वोट बैंक के रास्ते होकर गुजरता है। तो इस वोट बैंक के सपोर्ट के बिना कोई भी दल यूपी में बहुमत की सरकार नहीं बना सकता। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हर पार्टी इसी वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी है। तो क्या है यह पूरा समीकरण, आप समझिए। किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। ये अल्फाज सुने आपने, ये उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी रणनीति की सूरत दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी वोटरों की संख्या 41% से ज्यादा है। और ये भी हकीकत है कि 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी ओबीसी वोटों के सहारे ही सत्ता में आई थी। ये यूपी का चुनाव ही था जिसके दौरान खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को ओबीसी बताया था। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। इन बातों को सामने रखने का मकसद यही है कि हम आपको बता सकें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहां तक कि देश की राजनीति में ये जातीय समीकरण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश के 41% ओबीसी वोटों में से 10% वोट यादवों के हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी को जाते हैं और 4% उन जाटों के हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यही पैदा हो रही है बीजेपी के लिए चुनौती, क्योंकि पिछली बार जब 2017 में बीजेपी सत्ता में आई थी तब भी उसे यादव वोट ना के बराबर मिले थे, लेकिन 4% जाट वोट में से ज्यादातर पार्टी को मिल गए थे। ओबीसी 42-43%, यादव 10%, कुर्मे 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद 4%, अन्य 6%। उत्तर प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई ओबीसी पर ही सिमट आई है। यादवों और जाटों के वोट कटने की स्थिति में बीजेपी इन वोटों की भरपाई अन्य पिछड़ा वर्ग के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने ताजा मंत्रिमंडल विस्तार में 3 सीटें ओबीसी को दी हैं। पिछड़ों को रखे आगे, यूपी मंत्रिमंडल में 18 ओबीसी, कुर्मी 4, जाट 3, मौर्य 2, लोधी 2, गुर्जर 1, चौहान 1, निषाद 1, पाल 1, यादव 1, राजभर 1, सैनी 1। अब ताजा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ओबीसी की कुल संख्या हो गई है 21। मकसद साफ है, बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटों को पूरी तरह से साध लेना चाहती है। ओबीसी वोट लुभाने के लिए बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्य तक में कई अहम कदम उठाए हैं। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की अहमियत कितनी ज्यादा है और केंद्र की राजनीति के लिहाज से यूपी की सत्ता कितनी अहम है। इसीलिए केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग को जोड़े रखने के सारे जुगत लगा रही है। राज्य में 21 ओबीसी मंत्री, केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री, ओबीसी जातियों को शामिल करने का राज्यों को अधिकार वाला कानून, यूपी में 39 नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करना, नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा,
बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की चुनौती से निपटना ही जरूरी नहीं बल्कि सत्ता में वापस आने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी 2022 में उत्तर प्रदेश हार जाती है तो 2024 तक केंद्र में बने रहते हुए भी कमजोर हो जाएगी और इसका असर पूरे देश के माहौल पर ऐसा पड़ेगा जो कि बीजेपी के खिलाफ होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहती। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी मंडल और कमंडल की राजनीति एक साथ कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अब्बा जान चाचा जान से लेकर राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दों को गरमाने में लगे हैं, वहीं बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान सोशल इंजीनियरिंग के बहाने मंडल की राजनीति को चमकाने में लगा है। मंडल कमंडल की राजनीति का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। अक्सर कहा जाता है कि दो नाव में सवार आदमी डूब जाता है, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में ये मानकर चल रही है कि दो नाव में सवार होकर ही वो चुनाव की गंगा पार कर सकती है। एक नाव मंडल की, एक नाव कमंडल की। योगी आदित्यनाथ का चुनावी रैलियों में प्रिय शगल है अब्बा जान के बहाने चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। इसे वो गरीब हिंदुओं के पेट से जोड़ते हैं। मिलना है राशन। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। दरअसल यूपी में बीजेपी की यही रणनीति 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ 2017 के विधानसभा चुनावों में भी रही है। हर बार उसे फायदा मिला है। 2014 में धर्म ने जाति को तोड़ा था। बीजेपी को यूपी की 80 सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें मिली थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की आंच में भी सियासी रोटियां सेकी गई थी। ये चूल्हा 2019 तक सुलगता रहा है, लेकिन अब ब्राह्मणों की नाराजगी, किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम में पड़ती खाई, कोरोना काल की गंगा किनारे लाशें और राम मंदिर पर फैसले के बाद खुशी में डूबते सुस्ताते राम भक्तों के चलते योगी आदित्यनाथ कमंडल पार्ट टू की जरूरत महसूस कर रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि यूपी में जितना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना था हो चुका, ऐसे में हिंदू वोटों को एक साथ बनाए रखना नई चुनौती है और इसीलिए कभी तालिबान तो कभी अब्बा जान जबान पर है। जानकारों का कहना है कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी नहीं है कि हर बार ही चले, ये बैकफायर भी कर सकता है, जैसा कि बंगाल में हुआ था। हिंदुत्व के नाम पर वोटों की गोलबंदी तभी कामयाब होती है जब वैसी ही आक्रामक प्रतिक्रिया हो। लेकिन यूपी में अखिलेश और मायावती समझदारी से काम ले रहे हैं और योगी के अब्बा जान को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कट्टर हिंदू तो वैसे ही योगी को वोट देगा, अलबत्ता लिबरल हिंदू के छिटक जाने की आशंका है। तीन तलाक हट चुका, लव जिहाद पर कानून आ गया, धारा 370 हट गई, राम मंदिर की नींव बन गई, अब आगे क्या? बुनियादी मसलों को पूरी तरह हाशिए पर नहीं रखा जा सकता। भूखे पेट न होत भजन गोपाला। कुल मिलाकर कमंडल की राजनीति 2020 के मैच की तरह होती है। गेंद लपेटे में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले। लेकिन मंडल की राजनीति टेस्ट मैच की तरह होती है। पारी जम गई तो फिर नतीजे स्थायी आते हैं। यूपी में 41% ओबीसी हैं, इसमें से 21% अपर ओबीसी हैं, जिसमें 9% यादव जैसी प्रभावशाली जाति आती है, बाकी 20% अति पिछड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60% यादवों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन 72% अति पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिला था। लेकिन इसके लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। 1996 में बीजेपी को यूपी में 26% ओबीसी वोट मिला था, जो 2014 में बढ़कर
34% हो गया। 2017 में 47% ओबीसी वोट मिला, जो 2019 में 49% हो गया। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर बीजेपी की नजर लोअर ओबीसी पर है। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मंशा भी इसी व्यापक राजनीति का ही एक हिस्सा थी। अब ये कहानी अलग है कि ना तो मौर्य और ना ही मनोज सिन्हा बने मुख्यमंत्री और संघ प्रिय योगी की लॉटरी खुल गई। बीजेपी को 2014 में लोअर ओबीसी का 22% वोट मिला था, जो 2017 में 42 और 2019 में 47% हो गया। 2019 में सपा और बसपा को लोअर ओबीसी को 22% वोट ही मिला था। अगर अपर ओबीसी वोट की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जरूर 41% वोट मिला, सपा और बसपा को 29% और कांग्रेस को 15% वोट मिला था। लेकिन विधानसभा चुनावों की बात आती है तो अपर ओबीसी का वोट खासतौर से यादव वोट सपा की झोली में ही जाता रहा है। बीजेपी का सारा ध्यान गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों पर है। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। कभी मंडल की राजनीति करने वाले समाजवादी भी ब्राह्मणों का कमंडल लिए घूम रहे हैं। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।